अपनिंग गुड मॉर्निंग, वेलकम दोबारा से। आप देख रहे हैं सुबह समाचार। और सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात यह है कि कल अमिताभ बच्चन सदी के महानायक पूरे लखनऊ में घूम रहे थे। मतलब लोगों से एड्रेस भी पूछा, बातचीत भी करी, पान भी खाया, टांगा भी चलाया, गलियों में भी घूमे, सड़कों में भी घूमे। मतलब आप पहचान नहीं पाए, मतलब क्या, मतलब क्या कर दिया प्रज्ञा। एक और भी इसमें दिलचस्प बात है, ठीक है, ये तो फिल्म की बात हो गई। क्या आपको ये पता है कि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से सांसद भी रहे हैं? क्या आप जान रही हैं? मतलब आपको इलाहाबाद प्रेम जो है राहुल? नहीं नहीं, मैं दर्शकों को रोज, ये कोई प्रेम नहीं है, मैं दर्शकों को एक जानकारी दे रहा हूँ। चूंकि मैं दर्शकों का ध्यान संसद की ओर खींचना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है, बिना नाम लिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जबरदस्त हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक हम 25 जून को क्या हुआ था 1975 को वो अच्छे से जान रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने आज के दौर को सुपर इमरजेंसी कहा है, जिसमें ममता बनर्जी का नाम प्रमुखता से है। और हालांकि कोलकाता में उन्होंने कुछ भी देश के प्रधानमंत्री को बोलने से छोड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं बचा कि जो उन्होंने ना बोला हो, एक मुख्यमंत्री रहते हुए देश के प्रधानमंत्री को। अच्छा, और वो कह रहे कि सुपर इमरजेंसी है। राहुल एक और बात जो मैं भूल गई थी, या फिर लोग भूल गए थे, या फिर शायद आपने नहीं बताया अभी तक। अमिताभ बच्चन की बात अभी आपने की और मुझे याद आ गया कि नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही शानदार सा डायलॉग, यानी कि बहुत ही बढ़िया सा शेर अर्ज किया है कल पूरी संसद में। उन्होंने क्या बोला, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। बिल्कुल प्रज्ञा, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा आगे बढ़ेंगे। एक्टर अर्जुन कपूर आज अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा मुंबई के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए। माना जा रहा है कि अर्जुन अपना 34वां जन्मदिन मनाने के लिए मलाइका संग कहीं छुट्टियों पर जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अर्जुन कपूर ने टीएनका, जिसमें करीना कपूर थी, इशकजादे, जिसमें परिणीति चोपड़ा थी, और गुंडे, इन फिल्मों में ये काम कर चुके हैं। गुंडे में रणवीर सिंह भी थे और प्रियंका चोपड़ा ने शानदार परफॉर्मेंस। गुंडे फिल्म में अर्जुन कपूर की एक्टिंग में और रणवीर सिंह की एक्टिंग में जो केमिस्ट्री थी ना राहुल, वो बहुत शानदार थी। अर्जुन कपूर एक अच्छे एक्टर है, मतलब उनकी एक्टिंग लोग काफी पसंद करते हैं। हाँ, इनकी कई फिल्में आई हैं, टीएनका भी इनकी फिल्म थी, और ये मलाइका अरोड़ा के साथ छुट्टियों पे जा रहे हैं। ये वाली फिल्म याद है? नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं। मतलब ये गाना जो है ना, ये गाना बहुत वायरल हो गया था। इस पर जो है काफी सास ने, काफी लोग ना टिकटॉक चलाते हैं आजकल, तो उसमें जो काफी सारे ऐसे इस गाने पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे। हमने खबर भी चलाई थी इसकी काफी पहले। अब बिल्कुल आगे बढ़ते हैं प्रज्ञा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, यानी उत्तराखंड जाएंगे और ये इनका निजी दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को श्रद्धांजलि देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर 1 बजे पहुंचेंगे, इसके बाद सड़क मार्ग से हरिद्वार जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड के सीएम यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी को आज भारत माता जनहित ट्रस्ट के राघव कुटीर के आंगन में शाम 4 बजे समाधि दी जाएगी। इन्होंने भारत माता का मंदिर जो है हरिद्वार में संस्थापित किया था, पद्म भूषण भी मिला था इनको नरेंद्र मोदी ने और कई बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने, गृह मंत्री ने, राष्ट्रपति ने, सभी ने शोक जताया। शंकराचार्य थे और शंकराचार्य थे, अब वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनके विचार आचार ये हमारे लोगों के पास है। आगे बढ़ेंगे। यूपी के 1986 बैच के 2 आईपीएस नामित हुए हैं। नाम है आईपीएस का जावेद अख्तर और नासिर कमाल नामित हुए हैं। केंद्र में डीजी पद के लिए नामित हुए हैं दोनों आईपीएस ऑफिसर, यानी अब ये केंद्र में काम करेंगे। केंद्र में डीजी पद के लिए नामित हुए हैं दोनों आईपीएस, और ये बहुत स्वाभाविक है। जैसे कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश काडर आपको मिला है, तो आपको 5 साल के लिए केंद्र में काम करना ही होगा। 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो दूसरा होगा। ये आईपीएस ऑफिसर हैं जावेद अख्तर और नासिर कमाल, ये केंद्र में डीजी पद के लिए
नामित हुए हैं AIPS ऑफिसर। अच्छा, अमेरिका में विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री, मैं नाम भूल गया उनका, क्या नाम था? अमेरिका के विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो। पोम्पियो, हाँ, वो आने वाले भारत दौरे पर हैं। भारत दौरे पर हैं, क्यों आने वाले हैं, किस लिए आने वाले हैं, ये जानकारी हम आपको देते हैं। आज से 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला अमेरिका के साथ उच्च स्तरीय बैठक होगी, विदेश मंत्री का ये दौरा होगा। दोनों पक्षों के बीच भारत अमेरिकी रणनीतिक रिश्तों को, संबंधों को मजबूत करने और आपसी सहमति के मुद्दों के लिए उच्च स्तरीय संबंध जारी रखने का अवसर प्रदान करेगा। यानी वो ये बताना चाह रहा है कि जो आपने हमारे साथ समझौता किया था वो हम जारी रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा राहुल, मुझे याद आ गया, ये वो है माइक पोम्पियो जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और किम जोंग यू नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की मुलाकात करवाई थी। उन दोनों की मीटिंग में सबसे बड़ा योगदान जॉन पोम्पियो, माइक पोम्पियो का था। मतलब जिस वक्त पर नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग यू बार बार बोल रहे थे कि मतलब हम अमेरिका को उड़ा देंगे, हम परमाणु बम से उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त पर ये पोम्पियो साहब ही थे जिन्होंने दोनों की मीटिंग, यानी कि बिल्कुल। कुमार पुष्कल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कुमार पुष्कल, ये मीटिंग कितने बजे है अमेरिका के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से, वो सारी डिटेल दीजिए आप। देखिए राहुल, जो अमेरिकी विदेश मंत्री है पोम्पियो का आज भारत में दूसरा दिन है और आज वो दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो विदेश मंत्री जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब एक और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को लेकर भारत की चिंताएं हैं और वही द्विपक्षीय कारोबार से लेकर रूसी इस 400 मिसाइल सिस्टम खरीद को लेकर वाशिंगटन और दिल्ली के बीच में कई मुद्दे उभर के सामने आए। तो कहीं ना कहीं आज माइक पोम्पियो का भारत दौरा काफी अहम है और उस वक्त जब आए हैं जब प्रधानमंत्री खुद ओसाका जाने वाले हैं। अच्छा, दो दिनों के बाद आपने जापान जिक्र किया ईरान से जो तलखी चल रही है अमेरिका की, उसके बारे में तो क्या माइक पोम्पियो इसलिए भी आ सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी से ईरान को लेकर के जैसे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया था वैसा ईरान पर दबाव बनाने के लिए भारत देश से कोई सलाह लेना चाहे, समर्थन लेना चाहे उसके लिए भी? हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। कहीं ना कहीं समर्थन की बात जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद उभरे हैं तो कहीं ना कहीं भारत भी एक साझेदार है, भारत से वो पूरी सहायता चाहते हैं। बिल्कुल, और उसका लाभ हमारे साथ बने रहिए, आप बहुत वाजिब बता रहे हैं, आगे बढ़ेंगे अमेठी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पत्र लिखा है, रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है स्मृति ईरानी ने, रेलवे लाइन बिछाने को लेकर पत्र लिखा गया है। यानी अभी सांसद बने हुए बामुश्किल एक महीना हुआ है लेकिन काम शुरू है स्मृति ईरानी का। अमेठी रायबरेली रेलवे लाइन बिछाने की मांग उन्होंने पीयूष गोयल से कर दी है, ये निश्चित तौर पर एक सांसद के तौर पर काबिले तारीफ काम है। ट्रैक निर्माण और ठहराव के लिए पत्र लिखा है, यानी कुछ ट्रेनों को अमेठी और रायबरेली और रोका जाए और इसके साथ नई रेलवे लाइन बिछाई जाए, इसके लिए स्मृति ईरानी ने पत्र लिखा है। इसे कहते हैं विकास की ओर आगे बढ़ना, सांसदों के भूल न जाना। और कुमार पुष्कल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, प्रज्ञा इनसे सवाल ले लेते हैं। कुमार पुष्कल, बामुश्किल एक महीने का वक्त और स्मृति ईरानी ने काम शुरू कर दिया, पीयूष गोयल से ये कहा है कि आप अमेठी रायबरेली में रेलवे लाइन बिछाइए, पत्र लिखा है और साथ ही साथ कुछ ट्रेनों के ठहराव की मांग की, जरा डिटेल में ये खबर बताइए आप पुष्कल, चूंकि आपकी खबर है ये। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से साफ तौर पे आपने कहा कि अभी एक महीने नतीजे को नहीं हुए और स्मृति ईरानी अपने अमेठी के विकास कार्यों को लेकर काफी गंभीर है, उन्होंने पार्लियामेंट में पीयूष गोयल से मुलाकात भी की, उसके बाद एक पत्र भी लिखा कि कहीं ना कहीं जो साफ तौर पर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो अमेठी के विकास कार्य हैं, अगर रेलवे की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे जो प्रोजेक्ट है जो अभी भी अधूरे हैं, लोगों को कनेक्टिविटी नहीं है, रेल का जो माध्यम है रायबरेली से अमेठी को, तो उसको जोड़ने के लिए कई स्टेशनों पर कई विभिन्न ट्रेनों के ठहराव को लेकर भी काफी गंभीर है। तो कहीं ना कहीं जब वो जाती है तो जो उनके कार्यकर्ता और जनता इस बात को लेकर उनसे
बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा उठाने की बात कर रही है कि जो रेलवे है उसको कहीं ना कहीं अमेठी और रायबरेली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, पूरी जानकारी के लिए। अच्छा राहुल, ये वो वाला वादा है जो स्मृति ईरानी ने 2019 में दौरे के चुनाव के दौरान अमेठी की जनता से किया था, मतलब ये वादा उन्होंने पूरा किया, एक बहुत अच्छी बात है। अमेठी की जनता से स्मृति ईरानी का जो रिश्ता है ना वो उसको। और इस बीच बड़ी खबर है, अनियंत्रित ट्रक और कार की भिड़ंत हुई है और सड़क हादसे में मंत्री के बेटे की मौत हुई है। सड़क हादसे में मंत्री के बेटे समेत दो लोगों की मौत हुई है, एक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री के बेटे की मौत हुई है, अरविंद पांडे के पुत्र, ये अरविंद पांडे के पुत्र अंकुर पांडे की मौत हुई है। बहुत ही दुखद खबर, बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे, इनके पुत्र अंकुर पांडे की मौत हुई है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। आज प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे, कल उन्होंने लोकसभा में दिया था और आज राज्यसभा में देंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा वार, देश को फिर दिलाई इमरजेंसी की याद, कांग्रेस ने नहीं किया किसी का सम्मान, बीजेपी नहीं करती किसी का अपमान। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी ने नए भारत की बात की। पीएम मोदी ने सभी सांसदों को चर्चा को सार्थक बनाने के लिए भी आभार जताया। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि उन्होंने पूरे देश को जेलखाना बना दिया था, इमरजेंसी के बाद लोगों ने लोकतंत्र को वोट दिया था, इस बार जाति पंथ संप्रदाय से उठकर लोगों ने वोट किया है। राष्ट्रपति जी का भाषण देश के सामान्य मानवीय ने जिस आशा आकांक्षाओं के साथ इस सदन में हम सबको भेजा है उसका एक प्रकार से प्रतिध्वनि है और इसलिए इस भाषण का धन्यवाद एक प्रकार से देश के कोटि कोटि जनों का भी धन्यवाद है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था, पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसकी सरकार होती है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी भी अटल और मनमोहन के काम की तारीफ नहीं की है, हमने लाल किले से सबकी तारीफ की है। 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो वो रखें। इतना ही नहीं, अभी के भाषण में भी एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे लगता। संसद में पीएम मोदी ने कहा कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद देखना आसमान का। वहीं पानी की कमी पर बात करते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पानी पर बहुत काम किया था, बाबा साहब ने पानी पर चिंता व्यक्त की थी। हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। हमने ऐसा तो नहीं है कि पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया है, यहां चर्चा हो रही थी ये डैम बना वो डैम बना टिकना डैम बना फलाना डैम बना, काफी कुछ चर्चा हुई।
अच्छा होता, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का उल्लेख होता। हिंदुस्तान में पानी के संबंध में जितने भी इनिशिएटिव लिए गए थे वो सारा काम बाबा साहब अम्बेडकर के। पीएम मोदी ने बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपना विजन सबके सामने रख दिया कि अब देश केवल प्रगति के पथ पर आगे जाएगा, दूसरों का सम्मान और देश का कद बढ़ाना पहला काम होगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के लिए एक ही बात सर्वमान्य होगी, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो भाई कल पीएम नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि जिसका कोई नहीं होता उसकी सरकार होती है। कांग्रेस की परिवारवादी सोच पर जमकर बरसे हैं नरेंद्र मोदी। मतलब कल नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर ऐसा हमला किया है जो शायद कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस हमेशा याद रखने वाली है। उन्होंने हिंदी में भी अपना भाषण बोला और उसके बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करा और बहुत ही बढ़िया सा शेर भी सुनाया। इसके बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन अभी वक्त है रजनी मध्याह्न अपनी योगा टीचर से मिलने का और योग करने का। योग करिए।